तो चलिए आज का देखते हैं कि पिछले कमेंट बॉक्स में हम ये कमेंट में आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए पूछा था और बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन, क्योंकि हर कमेंट का जवाब देना, बहुत वीडियो पर बहुत कमेंट आता है, तो हम एक कमेंट बॉक्स में आपको जो भी कोई दिक्कत हो तो आपको बता देंगे। चलिए तो देखते हैं कि पहला इसने पूछा है मोनिका सैनी ने कि नेगेटिव मार्किंग है 0.2 की, तो आपको कितना बार बताऊं कि नेगेटिव नहीं है, तो आप मार कर आइएगा, आप छोड़ कर आइएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको नंबर मिलेगा। अब हम कितना बार बताएं कि नेगेटिव नहीं है इसमें, आपको 100 क्वेश्चन करके आना है, कोई नेगेटिव नहीं है, झूठ मूठ का जो अफवाह फैला रहा है, आप नोटिफिकेशन पढ़िए, ठीक है। रानी गुड़िया पूछती हैं कि बिहार पुलिस के लिए क्या पढ़ा जाए, तो क्या पढ़ा जाए आप तक अभी तक पढ़ी नहीं है, पढ़िए जो भी आपको सिलेबस में है। सबसे ज़्यादा हम बोले हैं कि जीके या जीएस आएगा, ठीक है, 70% के करीब, तो जीके जीएस ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रिवाइज करें, प्लस मैथ का टेंशन छोड़ दें, मैथ आपका 10 आएगा तो उसमें से जितना बना होगा बनेगा आपको, अगर 12th लेवल का आएगा तो हार्ड हो जाएगा, अगर अर्थमेटिक ये आया कुछ SCF LCM चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सबके लिए हार्ड हो जाएगा। और हिंदी आएगा तो हिंदी 10 क्वेश्चन आएगा, तो हिंदी ग्रामेटिकल और आपका जो साहित्यकार का नाम ये उपन्यासकार ये सब दो चार जहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है आप देख लीजिए, और इंग्लिश भी उसी तरह का आपका साइनो एंटो साधारण आएगा। चलिए देखते हैं, धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं कि कभी 60 और नहीं होगा SC का, हम बता दे रहे हैं कि 60 SC का पिछले बार गया था, आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, अगर फिर इस बार पेपर वायरल हुआ, इस बार बहुत लड़के भी ज़्यादा है, पिछला बार तो 2 शिफ्ट में ना हुआ था, इस बार 4 शिफ्ट में हो रहा है, आप ये भी ध्यान रखिएगा, लड़के ज़्यादा हैं और हर बार एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए उसका कट ऑफ जो होगा आगे बढ़ते जाएगा ना पीछे घटेगा, क्योंकि इस समय आपका बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर आप क्या कर रहे हैं, क्या आप भी बिहार पुलिस का रिटर्न निकाले थे क्या, तो हाँ बता दें कि हम भी एग्ज़ाम दिए थे 2017 में और मेरा एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम निकला था, मैं दौड़ नहीं पाया क्योंकि मेरा फिजिकल नहीं है, ठीक है, फिजिकल अच्छा नहीं है तो मैं दौड़ में ही छट गया था, उसका अब इसका प्रूफ देखना चाहेगा जो तो दिखा देंगे, ठीक है, अब सब एडमिट कार्ड रखे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, रागनी सिंह बोलती है कि इंग्लिश मैथ के लिए भी गाइड करें प्लीज़ सर, तो इंग्लिश और मैथ के लिए जो होगा आपका इंग्लिश का आप साधारण आप कोई बुक लिए होंगे बिहार पुलिस का, उसी में से देखिए साइनो एंटो और ये सब आपका एरर उरर आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, और मैथ के लिए आप मैथ साधारण आप सेट मारते रहिए, जितना सेट दिया है मैथ उसमें बनाते रहिए, मैथ इसका सिलेबस फास्ट है, अब मैथ तो बोल रहे दिया है कि 12th लेवल का पूछेगा, तो अब 12th लेवल का पूछेगा तो 12th लेवल का मैथ बना पाएगा कोई, जनरल कंपटीशन में आ जाने के बाद 12th छूट जाता है, ठीक है, जो 12th आप करेंट पढ़कर अभी एक साल में होगा तो उसको कुछ थोड़ा बहुत उसको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए और रागनी सिंह फिर पूछ रहे हैं कि मैथ के लिए टॉपिक बता दे सर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े, तो मैथ के लिए कोई भी टॉपिक नहीं, आप सेट जो बुक खरीदे होंगे कोई सेट उसका प्रैक्टिस करते रहे, जो भी सवाल है उसमें 2-3 बार बनाइए, ध्यान से देखिए कि किस तरह बन रहा है, तो उसी आधार पर आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं ओम प्रकाश कुमार के सर जी हिंदी का मास्टर वीडियो बनाइए, तो हिंदी का मास्टर वीडियो तो नहीं बनाए हैं, हिंदी का हमने वीडियो बनाए हैं, ठीक है, मास्टर वीडियो देखते हैं, एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। इंद्रजीत कुमार बोलते हैं कि सर मेरा मोबाइल नंबर रॉन्ग है रजिस्ट्रेशन में, आगे क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा, तो नहीं कोई बात नहीं है, मोबाइल रॉन्ग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रजिस्टर आपका सब चीज़ सही है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका एड्रेस वड्रेस सब सही होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर से कोई दिक्कत नहीं होगा। संजीत कुमार पूछते हैं कि EBC कट ऑफ मेल का सर प्लीज़ रिप्लाई, तो EBC का कट ऑफ जो होगा आपका मेल में अगर जाइएगा तो आप कम से कम 65+ से स्कोर अधिक करिए, क्योंकि इस बार अगर क्वेश्चन वायरल हो गया तो 65+ लाना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन वायरल होता है यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, बिहार दरोगा हो चाहे इसी के तरह, इसीलिए थोड़ा कट ऑफ और हाई चला जाता है, ठीक है, पहले से ज़्यादा सेटिंग गेटिंग के कारण कट ऑफ आई जाता है। और बिहार पुलिस में मैथ का तुक्का बताइए सर जी,
बिहार पुलिस में मैथ के लिए तुक्का क्या बताएं, हम तुक्का बता रहे हैं तो लोग भड़क जा रहे हैं कि तुक्का बता रहे हैं। तुक्का हम इसलिए नहीं बोले कि आप 100 क्वेश्चन पर तुक्का लगाइए, 100 क्वेश्चन पर आपको कभी भी तुक्का नहीं लगाना है। आपको जितना आता है, मान लीजिए कि 100 में 100 आता है तो वो बढ़िया होगा आपके लिए, लेकिन 100 में 100 कोई बना नहीं पाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो उसमें से मान लीजिए 10-20 क्वेश्चन बच जा रहा है तो उसके कोई ना कोई आपको दिमाग लगाना चाहिए कि कितना क्या करे उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो हम जहाँ तक एग्ज़ाम कभी भी दिए, हम देखिए एग्ज़ाम दिए हैं ITI बिहार ITI बिना नेगेटिव वाला, ठीक है। 8th क्लास में दिए थे NMMS जो आपका राष्ट्रीय वो होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, या 8वां में होता है कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, वो भी निकला था, उसमें भी नेगेटिव नहीं था, वो भी निकला था। बिहार ITI भी निकला था, बिहार पुलिस भी नेगेटिव वाला नहीं निकला था। तो ये आपका जिसमें नेगेटिव नहीं, हम उसको आपको हम बहुत एग्ज़ाम निकले हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन करें, ठीक है। हमको तो है कि बता देना है आपको कि मैं कोई बताएगा ही ना। और आपको ये बता दे कि सुनील पाल पूछते हैं कि सर तुक्का मारने का तरीका बताइए, तुक्का मारने का वीडियो बना दिए हैं तो तुक्का वहाँ देख लीजिए। ये तो तीनों तुक्के पर ही इनका क्वेश्चन है। कुश कुमार बोलते हैं कि 2017 से 2017 तक का ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालिए भाई, तो हम यहाँ पर आपका लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिए। 2010 से 2017 तक का प्रीवियस पेपर, 11 प्रीवियस पेपर डाला हुआ है, तो आप जाइए और देख लीजिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं गुलशन सिंह EWS का कट ऑफ कितना जाएगा सर, तो EWS का कट ऑफ जो है आपका, तो EWS का कट ऑफ हम बता दें आपको, देखिए आपके लिए भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको 55 प्लस EWS को लाना पड़ेगा, 55 प्लस से आप ऊपर जाइए। कभी भी एग्ज़ाम में आप 55 से 60% लाते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए सेव होता है, लेकिन यहाँ पेपर वायरल हो जाने के कारण कट ऑफ हाई चला जाता है। 2017 में पेपर वायरल हुआ था इसीलिए हाई कट ऑफ गया था, जो 15 वाला पेपर था आपका वो वायरल हो गया था, 22 वाला थोड़ा कम बहुत हुआ था लेकिन उसका भी क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया था, ठीक है। तो ये बिहार सरकार की नाकामी है, ठीक है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। सर जी GK में साइंस कीजिए प्लीज़, तो हमने साइंस का आपको PDF दिए हैं, साइंस का वो लीनियर दिए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। साइंस का जो PDF दिए हैं आपका, उससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो हम दिखाएंगे भी आपको। मोनिका सैनी है कि सर मैं UP से हूँ और फीमेल हूँ, मुझे कितने नंबर लाने होंगे, ठीक है। तो UP से है, आपको जनरल की तरह यहाँ पर बिहार में ट्रीट किए जाएंगे, तो जनरल के लिए आपको 60 मेल, फीमेल के लिए 60 प्लस आपको स्कोर सेफ रहेगा, ठीक है। 55 से कम 55 से प्लस जाइए तभी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। पाजी का पबजी बोलते हैं कि बिहार पुलिस में कितना वेट चाहिए, तो वेट इसमें नहीं मांगा जाता है, वैसे आपको 48 kg होना चाहिए, किसी भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 48 kg होना चाहिए, इससे कम है तो आप थोड़ा बहुत वेट बढ़ाइए, और इसमें वेट का कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन बिहार दरोगा में वेट आपको कम से कम 48 kg रहना चाहिए। सर फाइनल कट ऑफ बताइए फिजिकल सहित, तो फिजिकल सहित आपका फाइनल कट ऑफ अभी तो ऐसा नहीं, देखिए फिजिकल में कौन लोग जाते हैं यहाँ से, तो देखिएगा जिनका फिजिकल नहीं होता है वहीं लोग जाते हैं, हम बहुत देखे हैं, हम भी गए थे वहाँ पर, तो इसलिए आप केवल वहाँ क्वालिफाई करने के लिए कोशिश करें, क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो ज़्यादा रहता है कि आप चांस बन जाता है, और आप कम्युनिटी में है किसी SC ST OBC EBC में तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रहता है, क्योंकि इसमें आपका आधा से आधा तो आपका लड़कियों का सीट आरक्षित है, तो आधा तो उसका उनका हो जाना है, ठीक है। तो इसमें आपका फिजिकल में जैसे कि मान लीजिए 2-4 पार्ट है, मान लीजिए गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, तो ये सब आपके एक में कोई, दो में कोई अच्छा करना होगा, ठीक है। आपका दो में कोई ज़रूर अच्छा कीजिए कि ट्राई कीजिए कि हमको फुल मार्क्स मिले, या तो हाई जंप से या दौड़ में आप फुल मार लीजिए, दौड़ में तो मार लीजिएगा तो सीधे 50 में 50 मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं है, और आगे थोड़ा लूज होगा भी तो आपको चांस रहेगा, बहुत चांस रहेगा, ठीक है। पिंकी गोण पूछती है कि सर बिहार पुलिस के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, तो आपका ST कम्युनिटी होगा शायद, तो आप यहाँ से अगर होगी तो आपको
35 या 40 प्लस करना होगा, ठीक है, 40 प्लस, 40 से अधिक कीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप 50 के आसपास में रहिए तो 50% या 60% बहुत मायने रखता है, लेकिन यहाँ पेपर वायरल हो जाने के कारण हम तो वही बोल रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है। विक्की मिश्रा पूछ रहे कि सर पेपर बाइलिंगुअल होगा या सिर्फ हिंदी में? तो बाइलिंगुअल होता है आपका, एक साइड हिंदी दिया होता है, एक साइड इंग्लिश दिया होता है, तो आप दोनों में होता है, आप घबराइए मत, ठीक है। फिजिकल पर मेरिट बनेगा सर तो कितना नंबर लाना पड़ेगा रिटेन एग्ज़ाम में सर? एंड फिजिकल में पीटी और दोनों, पीटी में दोनों बता दीजिए, ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर करें? तो फिजिकल में आपको, हम तो बहुत पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि आपको जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जीएस आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, जीएस आप जीके आपका 30 से 40 रहेगा, तो ये आपका 70% वेटेज दे देता है, ठीक है। और 30% या 35% में मिलाकर आपको फिजिक्स, फिजिक्स बोल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और मैथ रहता है, ठीक है। और BC2 का कट ऑफ कितना होगा, फीमेल है तो प्लीज़ रिप्लाई। तो BC2 तो आपका ये फीमेल है या अंकिता सिन्हा, तो ये आपका कट ऑफ जो रहेगा आपको 55 प्लस कीजिए, ठीक है, 55 इससे तो आपको 50, हम तो बोल ही रहे हैं कि आपको 50% लाना अनिवार्य है किसी भी एग्ज़ाम में के लिए, ठीक है। इसमें तो आपको 30% ही बोला है, लेकिन 30% कौन लाता है, लाता है उससे भी तो छट जाता है, तो इसमें आपको 50% टारगेट रखना चाहिए कि 50% के ऊपर जाए, ताकि आपको 100% सफलता मिले। खुशबू कुशवाहा पूछते कि सर मैंने जब बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था तब मेरे पास बिहार का निवासी सर्टिफिकेट नहीं था, पर अब बन गया है, उसमें लगा सकते हैं और मैं SC हूँ? तो अभी नहीं लगा सकते हैं, आप आने वाले आगे बहाली में लगा सकते हैं। अब जो अब अभी जो भरे होंगे बिहार के निवासी नहीं होंगे, तो जनरल की तरह आप ट्रीट किए जाएंगे, तो ठीक है, तो अब देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें, अब आगे कोई भी बहाली आए तो उसमें डालिए। प्रीति पूजा पूछते कि सर OBC के लिए कितना मार्क्स आएगा तो हो जाएगा? तो OBC के लिए आप जनरल है तो 50 लाइए कम से कम, 50 के आसपास जाइए, 45 से प्लस जाइए 50 आपको, ठीक है। तो हम तो बोल ही रहे हैं कि आपको 50 कम से कम 50%, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव नहीं है तो, क्योंकि नंबर इसमें ज़्यादा इसीलिए आता है, ठीक है। पवन कुमार बोलते हैं कि हिंदी में क्या क्वेश्चन आता है? हिंदी में वही क्वेश्चन आता है, हम बोल रहे हैं कि ग्रामर से आएगा आपका, 2-3 ग्रामर से या समास उमास से, या पूछ देगा कि इस वर्ण का कौन सा स्थान उच्चारण है, और आपको पूछ देगा कि प्रेमचंद का कौन सी पुस्तक है, तो ये सब उपन्यासकार का ये 2-3 क्वेश्चन और ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन आपको, तो ये आपका इसे 10 क्वेश्चन आ जाता है। ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइड हैं, बाकी सलेक्शन तो फिजिकल पर होगा, मेरिट इतना नहीं जाएगा जनरल का, तो आप शायद एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे 2017 का, नहीं तो आपको मालूम हो जाता, ठीक है। तो ये फिजिकल का नहीं होता, यहाँ पर बिहार है, आप अगर बिहार से जान रहे होंगे, बिहार से होंगे तो आप खुद जान रहे होंगे, अगर बिहार से बाहर नहीं तभी इसी प्रकार लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये बता दे कि क्वालिफाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर कितना कट ऑफ गया था पिछले बार जो एग्ज़ाम दिया होगा वो बोल दीजिए, देख लीजिएगा, उन लोगों से पूछ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पेपर वायरल हुआ तो यहाँ बिहार सरकार भी मनवा देती है कि वायरल नहीं हुआ है, ठीक है, और कोर्ट भी मान लेता है कि हाँ नहीं हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर सोनू कुमार एन बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम देने के बाद कितने में रिजल्ट देगा? कितने दिन में या क्या पूछ रहे हैं, या कैटेगरी बताइए, कितने दिन में? तो आपका 2-3 महीना लग जाता है एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आएगा। 12 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, कट ऑफ मार्क ही रहेगा क्या? तो वही तो बोल रहे, पिछले बार एग्ज़ाम जो दो शिफ्ट में हुआ था, इस बार 4 शिफ्ट में हो रहा है, लड़के स्टूडेंट है, कंपटीशन हाई जा रहा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिएगा तो कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है, तो उसमें कट ऑफ भी हर साल बढ़ेगा ही। अगर पेपर टफ आया तो थोड़ा नीचे जाएगा कट ऑफ, और अगर वायरल हो गया वो भी टफ था तो गया हाथ से, ठीक है। पवन कुमार है, GK अलावा कहाँ से क्वेश्चन आता है? GK के अलावा GK जो हो गया, GK आपका आएगा, GS आएगा, हिंदी आएगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ आपको मिलाकर 25-30 क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी आपको ये हिंदी इंग्लिश मैथ
कम ही दे 2017 में कम ही देखे गए थे, दो दो क्वेश्चन देखे गए थे, तीन तीन दो दो और पांच मैच का देखे गए थे। तो यही है, कभी क्वेश्चन इसका पैटर्न कोई फिक्स नहीं है कि 10 क्वेश्चन आएगा मैथ से तो 10 ही आएगा, ठीक है। क्या पूछ देगा कोई नहीं, कभी रीजनिंग भी पूछ देगा मैथ टाइप का, तो वो इसका सिलेबस फिक्स नहीं है। लेकिन ये भी मान कर चलिए कि हम आपसे शुरू से बोल रहे हैं कि 70% जो वेटेज रहता है जीके जीएस का रहता है। सर जी कुछ ऑप्शन सब्जेक्ट भी चूज करना है क्या? नहीं, इसमें ऑप्शन सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, पहले वाला सिलेबस रहेगा, ठीक है। फिजिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट कितने पे लगेगी, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। तो फिजिकल अगर दे दीजिए, हम बता दिए ऊपर में कि आपको फिजिकल देने के बाद आपको किसी भी आपका चार जो आपका टेस्ट है उसमें दौड़ है, आपका गोला फेंक है, ये सब में आपको दो में अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। दो में अगर फुल मार्क्स ला दिए तो आपका सिलेक्शन ज़्यादा चांस बनता है कि 99% हो जाए। सर रिजल्ट कितने डे आफ्टर आता है? तो आपका 2-3 महीने बाद आ जाएगा परीक्षा से, ठीक है। शेर शाह सूरी सासाराम के मदर का नाम क्या है, चैलेंज है, ये तो क्वेश्चन ही पूछ दिए। तो शेर शाह सूरी के मदर का नाम हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि शेर शाह सूरी के पिता जो थे उनके चार वाइफ थी, और चार वाइफ में पहली वाइफ का ये आपका बेटा थे, और इनके एक और भाई थे। तो पहली माँ से आपके दो लड़के थे, तो माँ का नाम शायद मुझे भी याद नहीं है, तो आप ही कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि सब कुछ सब कोई के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो हम इतना बता दिए कि उनके इतना याद है कि शेर शाह सूरी के पिता के चार जो पत्नियाँ थी, ये पहले अपने माँ के दो बेटे थे, इनका एक भाई थे, ठीक है, और उनसे चारों से जो थे चारों पत्नियों से 8 लड़के थे, और पहली से 2 लड़के थे। तो 2 लड़के में ये आपका शेर शाह है, एक फरहान की क्या नाम था उनका। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ भी कमेंट हो आप आगे तो आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, आगे जो होगा आपको और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आगे आने वाले वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।